देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आज कक्षा 12वीं का जो भूगोल का पेपर था 2 मार्च का, इसके अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे इस क्लास में। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में। दूसरा है, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्ययन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रौद्योगिकी है। और तीसरा, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो रोपण कृषि का। हाँ, आंसर मिला लीजिए, कितने आपके सही है कमेंट्स में बताएं। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व तो पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। पांचवा प्रश्न, आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित है? तो यह 22 भाषाएं। कितनी बेटा? 22। लाइक करें क्लास को। प्रशासनिक नगर है नई दिल्ली है। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, भारत की प्रमुख पेय फसलें कॉफ़ी एवं चाय है। ठीक, पेय फसलें का पूछा था जो पीने वाली है, तो कॉफ़ी और चाय। दूसरा है, भरम और जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय समुदाय का आवास है? ये अभी कंफर्म नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिए कमेंट्स में बताएं। तीसरा है, 1970 के दशक में मानवतावादी आमूलवादी और विचारधाराओं का उदय हुआ? तो व्यवहारवादी में। कहाँ पर? व्यवहारवादी। तीसरा है, चैनल टनल पेरिस को लंदन से जोड़ता है? किसको जोड़ता है? लंदन को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व एपी राज्य में, मतलब अरुणाचल वाले प्रदेश में, ठीक है ना। छठा देखिए, नैनीताल भारत का एक पर्यटन नगर है, कौन सा है? पर्यटन। चलिए सत्य असत्य, भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है? ये आपका सत्य है, ठीक है। विश्व, दूसरा देखिए, विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% में निवास करती है? ये आपका असत्य। तीसरा, आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है? ये बेटा आपका सत्य है। पनामा नहर, ये वाला आपका असत्य है। और पांचवा देखिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है? ये आपका सत्य है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी? मिला लीजिए आपके कितने सही है, और कमेंट्स में आप जरूर बताएं। और क्लास को लाइक करें, आप लोग लाइक नहीं करते बेटा। चलिए अगला देखिए, जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। पहला है वस्त्र निर्माण, तो ये बेटा द्वितीय क्रियाकलाप है। और दूसरा है सर्वाधिक कपास का उत्पादन, तो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। तीसरा है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो ये आती है आपकी बिहार में। और चौथा है भारत में न्यूनतम भाषाई समूह, तो चीन तिब्बत, कौन सा है? चीन तिब्बत। और पांचवा है स्वेज नहर का निर्माण, तो ये कहाँ पर होता है? 1869 में हुआ था बेटा, ठीक है ना। पांचवा, चलिए आगे बढ़ते, एक वाक्य में उत्तर देखिए। विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया? 1 जनवरी 1995 को। भारत की दो प्रमुख तिलहन फसलों के नाम बताइए? वही तिलहन फसलें पूछा था, तो तिलहन फसलों में बेटा सरसों मूंगफली भी आ सकता है, ठीक है ना, और सोयाबीन भी आप इसमें कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग। कितना है? 382 प्रति वर्ग। चौथा, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 16 में। और पांचवा प्रश्न आपका, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास के द्वारा, UNDP इसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपने पूरे जो कि MCQ क्वेश्चन आपके आज एग्जाम हुआ है, इसमें कितने सही आप कमेंट्स में बताएं और क्लास को लाइक करें, ठीक है ना। जय हिंद, जय मां भारती।